तो स्वागत है आपका एआर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं आपके साथ आपका होस्ट सपन शर्मा एंड आपका टीचर। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ कॉमर्स। अगर आप 11th के बाद अगर आप 11th में कॉमर्स लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं आपके साथ कॉमर्स लेने के बाद में, क्या क्या आपके साथ नुकसान हो सकते हैं आपके साथ कॉमर्स लेने के बाद। तो मैं बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप अगर कॉमर्स लेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट लेनी पड़ती हैं। 3 सब्जेक्ट में पहले नंबर पर आती है आपके अकाउंट, दूसरी बिजनेस और तीसरी आपके पास होती है इकोनॉमिक्स। लेकिन जो दो पहले वाली होती हैं अकाउंट और बिजनेस कंपलसरी होती हैं, लेकिन आप थर्ड पे लेते हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आप उसकी जगह पे कंप्यूटर और टाइपिंग भी ले सकते हो। हाँ, कंप्यूटर और टाइपिंग भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आपको बताना चाहूंगा पर्सनली तो आप कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप लेते हो इकोनॉमिक्स तो पूरी थ्योरिकल सब्जेक्ट है, आप समझ सकते हो थ्योरिकल सब्जेक्ट किस तरीके की होती है। ठीक है, तो पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें इतने सिद्धांत आते हैं उनसे आपको नया सीखने को मिलता है। और कॉमर्स तो है ही सीखने की सब्जेक्ट। अगर आप कुछ नया बड़ा करना चाहते हो, बेसिक खिचड़ना नहीं चाहते, जैसे कि जिंदगी में खिचड़ रहे हैं, 5,000 की नौकरी आर्ट्स ले ली, खिचड़ रहे हैं 3,000 के मास्टर, तो वो नहीं करना है। आप अगर कॉमर्स लोगे तो आपको आसानी से अच्छी जॉब मिल सकती है, स्टैंडर्ड जॉब मिल सकती है। आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, आपका खुद का बिजनेस खोल सकते हो, या फिर आप कोई भी वैसी जॉब कर सकते हो, या आप टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। इससे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, और इसके बाद में आपके पास कई अपॉर्चुनिटी हैं जिनसे आप ऊपर पढ़ सकते हो। तो मेरा आपसे कहना है कि आप कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हर चीज की जिसके फायदे होते हैं नुकसान भी उसके होते हैं। ये आपको पता होगा कि हर चीज में मैं बता दूं फायदे ही फायदे, फायदे नहीं होते। जैसे कि मैंने कॉमर्स ले ली कि मैं पहले बहुत गरीब था और फिर उसके बाद में मुझे कॉमर्स मिल गई, मैं करोड़पति हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की, ए फॉर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी व्यवसाय में लेखा किया जाता है वो सब अकाउंटेंसी में आता है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने सबसे पहले, मैथ की तरह नहीं होती है। जैसे कि मैथ में माना एक्स, चाचा के मामा का फूफा का फूफा का फूफा, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंट्रीज आएंगी वो आपको करनी है। ये आसान बहुत ज्यादा होती है और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चेक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते। अकाउंटेंसी के 3 फॉर्मूले अपना लीजिए, जो व्यवसाय में आएगा DR, जो जाएगा CR, इनकम DR, जो भी खर्चा है वो इनकम DR, जो भी खर्चा होगा वो आपका CR, जो भी बड़ी असेट्स आएगी व्यवसाय में वो DR होगी, और जो व्यवसाय से विदा होगी वो CR होगी। ठीक है, एक DR, CR, इन दो में आपका पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। DR, CR के अंदर आपका पूरा अकाउंट बसा हुआ है। और फिर इसके बाद हम सब इतनी बड़ी नहीं कर सकते इस वीडियो को, इसलिए हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करेंगे, बिजनेस। बिजनेस की बात करेंगे हम, इसको देख के काफी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। मतलब काफी बच्चों का सपना होता है क्या मूड बोले, अगर आर्ट्स ले तो साहित्य लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, बिजनेस से अलग ही मजा आता है। मतलब बिजनेस लिए यार, व्यवसाय करना है फ्यूचर में यार। हर इंसान आज के जमाने में अमीर पैसे वाला बनना चाहता है, हर चाहता है जब वो हाथ फैलाए तो उसके हाथ में पैसा ही पैसा हो। ऐसा करने के लिए ये एक सब्जेक्ट बनाया गया है बिजनेस, जिसमें आप सीख सकते हो, जिससे आप 11th क्लास से सीख सकते हो बिजनेस क्या है, उसके तरीके क्या हैं, किस तरीके से किया जाता है, लॉ कौन सा लगता है। ठीक है, तो बिजनेस में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ भारतीय साझेदारी मतलब पार्टनरशिप के बारे में भी आपको पूरी थ्योरी दी जाएगी इसके इसमें। और मैं कहता हूँ एक नंबर सब्जेक्ट है, अगर आपको कॉमर्स पढ़नी है तो आपका सबसे ज्यादा जो मन लगने वाला है ना वो बिजनेस होगी, क्योंकि बिजनेस इज द नंबर वन सब्जेक्ट। एंड हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे, या थर्ड सब्जेक्ट होगी अपनी, मेरे पास इकोनॉमिक्स है तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, या फिर कंप्यूटर या टाइपिंग। ठीक है,
ये तीन सब्जेक्ट हैं, आपको क्लियर दिख रही होंगी, ईसीटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मेरे पास है तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकता हूँ। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डबल थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, अगर आप में दम है, अगर आप अपनी SST को पढ़ सकते हो अच्छे से, इतिहास को पढ़ सकते हो, तो आप इकोनॉमिक्स जरूर लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि जो पूरी थ्योरिकल है। थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है और थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है आपको अगर ये सब्जेक्ट लेनी है तो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूं कि अगर आप कंप्यूटर लेते हो, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, वो वाला कंप्यूटर आपको शायद ना मिले, लेकिन एक बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको इस कंप्यूटर में मिल सकता है। टाइपिंग मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने आज तक टाइपिंग किस तरीके से पढ़ाई जाती है वो भी नहीं देखा है। तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक, देखते रहिए कॉमर्स से संबंधित काफी वीडियोस, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी इस चैनल से जुड़े हुए जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सारी सब्जेक्ट की क्लास आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा जानकारी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में चाहिए तो उसके लिए, और साथ ही साथ अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मतलब कि मैंने शुरू में कहा था कि फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे, तो अब फायदे की बात करते हैं। आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, मतलब आपके पास तीनों सब्जेक्ट के टीचर हैं, तीनों सब्जेक्ट के टीचर यानी 12 पास पढ़ा रहे हैं आपको, 12 पास हो या 11 पास, लेकिन उन पे ज्ञान होना चाहिए जो उनके अंदर वो आपको सिखा सके। भले 12 में फेल हुआ हो, लेकिन उसने 11th की किताब इस तरीके से पढ़ी हो, मतलब क्या है, मतलब उसने घोर के पी ली हो, इस तरीके से आपको अगर पढ़ाने वाला है तो आप पढ़िए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो पढ़ाए बेचारा कुर्सी पे लल्लू बैठ जाओ, तो वो वाला आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट आपका होता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास, मैं नुकसान बता दूं तो आपके पास दम होनी चाहिए, आपके पास झेलने की पावर होनी चाहिए अगर बिजनेस फेल हो जाए तो, और साथ ही साथ आप इसमें नेक्स्ट जो है टीचर, गवर्नमेंट टीचर, आप इससे सेकंड ग्रेड के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। बिजनेस अकाउंटेंसी के बहुत कम टीचर मिलते हैं आपको पता होगा, तो आप इन सब्जेक्ट से टीचर भी बन सकते हो आसानी से, और साथ ही साथ आप इससे कोई भी मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप MBA कर सकते हो, MBA आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है। और बने रहिए हमारे साथ, और आज की ये वीडियो खत्म हुई, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, लाइक करे बिना ना जाए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं आदाब।